एक तरफ जहां 2024 में एमपी इलेक्शन होने हैं उसको लेकर के पार्टियां तैयारी खींच रही हैं, वहीं दलों की अदला बदली का भी दौर जो है वो शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के एक काउंसलर जो हैं वो पहले कांग्रेस से आई थी, अब दोबारा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीच में वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्षद बनी थी। किस तरह से देखते हैं इसे आम आदमी पार्टी, इसके पीछे क्या कारण मानती है, बातचीत करेंगे। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस से बड़े जो आप लोग हैं जोर शोर से कुछ लोग अपनी तरफ लेकर आए थे, आपकी पार्टी से पार्षद भी बने, पर उन्होंने दोबारा घर वापसी की है। ऐसा है कि 1.5 साल पहले तकरीबन ये लोग आए थे कांग्रेस से, और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं देनी थी। आम आदमी पार्टी ने टिकट दी, बहुत मान सम्मान दिया, और ये जीते जो सिर्फ केजरीवाल के नाम से जीते। कोई भी हम ये कहें कि कोई कैंडिडेट अपने स्ट्रेंथ पे जीत गया, ये इम्पॉसिबल है। वो जीते सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नाम पे या केजरीवाल के नाम से कम 70% वोट जो हम समझते हैं पार्टी के नाम से पड़ती है। आज आप कोई देख लो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर खड़ा हो तो उसको 1500 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ती है। जहाँ तक तरुणा का सवाल है, तरुणा को हमने बहुत इज्जत और मान से रखा। कोई भी उसको किसी तरह की शिकायत में रख ले पार्टी से नहीं होनी चाहिए। पहले साल में उसको FNCC का मेंबर बनाया, और इस बार हमने आपने देखा होगा सीनियर डिप्टी मेयर के लिए हमने उनको नॉमिनेट किया था। जीतना या हारना तो किस्मत होती है। तो अब उनका पार्टी छोड़ के जाना इस स्टेज पर, देखिए ऐसा होता है कि इलेक्शनों के दिनों में जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं पार्टियों में लोग इधर से उधर जाते हैं, वो तब तो मान जाते। अब मई के महीने में उनका जाना मेरे को कोई उसका लॉजिक नहीं लगा, ठीक है ना। आप ही पूछिए उनसे कि क्या कारण रहा होगा। अगर कोई उनको पार्टी से कोई शिकायत थी तो बताते, पार्टी में रिजाइन करते, हमसे बात करते। एक बार भी उनसे एक बार भी हमसे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जाने, एक दिन पहले भी मेरे से मिलते बताते, और यही तरीका था, रिजाइन देते। और अगर पार्टी के नाम से जीते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है तो इंसान को अपने ही कॉन्शियस से रिजाइन करना चाहिए। क्योंकि पार्टी के नाम से अगर आप जीते हो और अगले दिन आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हो तो आपको रिजाइन देना चाहिए। मेरा ये मानना है। बातचीत हमारी भी उनसे हुई थी, सेम सवाल जो है मैंने भी उनसे लिया था, तो उनका कहना था कि पार्टी का कोई संगठनात्मक ढांचा ही नहीं है। कहते किससे बात करते, कोई प्रधान नहीं है, कोई जो सकत्तर लगाए गए हैं यहाँ पे प्रधान लगाए गए हैं जरनैल सिंह, कहते वो आते ही नहीं है। नहीं देखिए, प्रधान नहीं का तो कोई है नहीं, मैं क्योंकि पार्टी को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी भी पार्टी का चाहे प्रधान कागजों में नहीं है, लेकिन पार्टी के सारी जो जिम्मेवारी मैं ही संभाल रहा हूँ। और उनको बताइए कि कौन सी मीटिंग मैंने मिस की हो, कौन सी जैसे प्री हाउस मीटिंग जो होती है, जो भी एक प्रोटेस्ट होते हैं आपने भी देखा है, हमेशा हम लीड करते हैं। तो वो मेरे से बात करते बताते कि हमें ये प्रॉब्लम है। मैं कि प्रेजिडेंट सिर्फ क्योंकि हमारी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिजोल्व हुई है, लेकिन ये तो नहीं कि हमारे पास कोई पावर नहीं। अभी भी मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ ना पार्टी को, सब जगह पर रिप्रेजेंट तो मैं ही करता हूँ ना। देखा जा रहा है कि वो जिस तरह से कांग्रेस से आए तो कहीं ना कहीं प्रदीप छाबड़ा जो कि कांग्रेस से थे उनका जरूर दबदबा जो है वो पार्टी में देखने को मिला। उनको लेकर के काफ़ी जो चीज़ें हैं ये भी देखने को मिली कि जो कांग्रेस से आए थे वो उनकी तरफ थे, जो पहले से थे वो आपकी तरफ थे। तो इस तरह की गुटबाजी हमें चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिली है। अब इसे आप किस तरह से देखते हैं कि सच में एक संगठनात्मक ढांचा होना तो ज़रूरी है, कोई ऐसा लीडर या ऐसा कोई पर्सन होना तो ज़रूरी है जिससे कि बात की जाए या वो उनको समझा सके। उन्होंने साफ बोला जब हमारी उनसे बातचीत हुई कि हमें किसी का रोकने तक के लिए फोन नहीं आया। नहीं भाई, मैं भाई बार बार करूं कि तरुणा या यादविंदर जी ने एक बार भी क्या मेरे को फोन किया एक दिन पहले, एक घंटा पहले भी जाने से पहले कि जी हम जा रहे हैं बात का, मेरे को पता हो तब तो मैं बात करूँ ना कि वो जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। इट वाज शोक 9 बजे या 9:15 बजे मेरे को मैसेज मिला कि वो भी दिन भर न्यूज़पेपर में उनका आया कि भी वो कल ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ही मेरे को पता चला मैंने फ़ोन किया तो उन्हें फ़ोन नहीं उठाया, और 10 मिनट के बाद उनकी सब जगह पे न्यूज़ पहुंच गई। तो अब मेरे पास आते हैं ना, बात कैसे मेरे से करते हैं, आज तक भी तो मेरे से बात की है ना उन्होंने। क्या आप इसके पीछे कमियां मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता तो होगा कि पीछे कुछ, देखिए पहले भी आप मेयर नहीं बना सके मेजॉरिटी में होने के बावजूद। दो चीज़ें, अगर वो ये कहते हैं पार्टी की कमी के कारण है, वो गलत है, वो बिल्कुल झूठ है। इसके पीछे कोई ना कोई और कारण है, वो कारण या तो वो बताएं ओपनली।
अगर पार्टी के पार्टी से उनको तो कोई नुकसान नहीं, उनको तो हमने पूरा FNCC का मेंबर बनाया, पूरे एज ए काउंसलर उनको पूरी पावर है, उनके सारे काम हो रहे हैं और उनको सीनियर डिप्टी मेयर का भी इलेक्शन जीता है, उनको पार्टी से क्या शिकायत हो सकती है, पार्टी में उनकी क्या नहीं सुनवाई हो रही बताएं। लेकिन जहाँ तक ये होता है गुटबाजी, देखो हर एक पार्टी में होती है, थोड़ी बहुत एक अलायंस, कुछ लोग मेरे को लाइक करेंगे, कुछ आपको लाइक करेंगे, कुछ किसी तीसरे को लाइक करेंगे, वो थोड़ा बहुत देखो जो होती है अलायंसेज होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ लोग ए को पसंद करेंगे, कुछ लोग बी को पसंद करेंगे, ये चलता रहता है। लेकिन इसके कारण नहीं, क्योंकि पार्टी का संगठन कमज़ोर होता है, आप BJP में देख लीजिए, कांग्रेस में, सब जगह पे ये तो होता है, इवन राजस्थान में आप देख रहे हो, अभी कर्नाटका में इलेक्शन हो गया था, वहाँ अपने CM बनाने के लिए 3 दिन लग गए, सिर्फ इसलिए कि गुटबाजी है। गुटबाजी तो देखो डेमोक्रेसी का ये एक ब्यूटी है कि इवन पार्टियों में भी आपस में गुटबाजी होती है। फिर इसे किस तरह से देखेंगे कि आगे चंडीगढ़ को किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो सिक्योर करे, क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं। हम देखो, हम पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसे आपने देखा पंजाब में हमारे फर्स्ट टाइम 22 MLA बने थे, 2 पहले निकल गए थे जो LJP के थे, उसके 8 शायद MLA फिर रिजाइन कर दिए बीच में खैरा जी के साथ, फिर इवन इलेक्शनों के दिनों में 1-2 रिजाइन कर गए थे। तो उसके बाद आपने देखा कि हमारे इतने लोग के रिजाइन करने के बावजूद पार्टी 92 सीटें लेकर आई ना, तो ये तो देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लोगों ने हमें धोखा देना बिल्कुल इलेक्शनों के टाइम पे, वो अगर पहले ही चले जाते तो अच्छी बात है, बल्कि तो इससे कोई पार्टी कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि पार्टी को बल्कि अपनी जो थोड़ी बहुत कमियाँ, जैसे आप कह रहे हो कमी भी होती है, वो उसका भी मंथन हो जाता है उसमें, और करेक्टिव स्टेप टाइम पर लिए जाते हैं। संगठनात्मक जो ढांचा है उसको दोबारा कब बनाया जाएगा, कोई बातचीत आपकी हाई कमांड से हुई है? दिल्ली हो रही है, तो क्योंकि हमारे जनरल सिंह जी हैं और डॉक्टर संदीप पाठक हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी जो है संगठन मेरे ख्याल हो जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता प्रेम गर्ग, जिन्होंने कहा कि जो दूसरी पार्टी से आए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के विचारधारा उनके साथ नहीं मिलती, तो बिल्कुल समय पर, जब इलेक्शन का समय, उस समय जाने से पहले जो है वो पहले चले जाएं, जिस तरह से तरुणा मेहता गए हैं, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनके कोई और कारण हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी के बीच रहकर उन्होंने ना तो किसी तरह की कोई बातचीत की कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं लगी, या फिर उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत है उनकी तरफ से नहीं की गई है। जहाँ तक बात रही संगठनात्मक ढांचे की, तो वो बहुत जल्द, इनका कहना है कि एक बार फिर से जो है वो अनाउंस किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।